हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के दड़ा। हाँ तो गाइस, सभी को पता है जब से थलापति 69 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, आप हाइप देख लें, रश देख लें, ट्रैफिक देख लें, दबदबा देख लें, इवन फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड है। स्पेशली भाई साहब हेटर्स तो ये सोच रहे हैं कि यार ये क्यों जा रहे हैं। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बताता चलू ना, जो भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि हर्ष भाई थलापति 69 पर बैक टू बैक अपडेट दो, तो भाई ऑफिशियल अपडेट लेकर आया हूँ कास्ट के बारे में, उसी के साथ साथ इसके शूटिंग के बारे में। तो देख क्या रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं, जब से थलापति 69 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है ना, तो जितने भी थलापति विजय सर के फैंस हैं काफी ज्यादा डरे हुए हैं, काफी ज्यादा खौफ में हो, काफी ज्यादा घबराए हुए, सस्पेंस में है कि ये थलापति विजय सर की लास्ट मूवी होने वाली है, अब मूवियां छोड़ने वाले, इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं। तो गाइस उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी एक दो दिन में लाऊंगा, जो कि जहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो मूवी इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, और अपकमिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट होने वाले, जो कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ होने वाला। लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं थलापति 69 से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कास्ट के बारे में। तो भाई साहब जो प्रकाश राज सर है ना, ऑफिशियली लेवल पर ऑन बोर्ड हो गए हैं थलापति 69 के प्रोजेक्ट के लिए, जिनका जो कैरेक्टर होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी प्राथमिक भूमिका निभाने वाले हैं। मतलब कि आप देख रहे हैं जिस तरह हो सकता है उनके फादर के कैरेक्टर हो, उसी के साथ साथ हो सकता है विलन का कैरेक्टर। विलन के कैरेक्टर में आजकल तो प्रकाश राज काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला। वही अगर अपन बात करें इसकी शूटिंग के बारे में, तो वही जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसका शूट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इसका जो शूट है पावरफुल लेवल पे स्टार्ट किया जाने वाला है। वही अगर अपन बात करें ये किस टाइप की मूवी होने वाली है, किस चीज पर बेस्ड होने वाली है, तो भाई सब ये जो मूवी होने वाली है पॉलिटिकल एंड कमर्शियल मूवी होने वाली है, मास मूवी होने वाली है, जहां पर आपको काफी सारा राजनीतिक दिखाई देने वाला है, उसी के साथ साथ काफी सारी ड्रामा दिखाई देने वाला, काफी सारा एक्शन सीक्वेंस दिखाई देने वाला, मतलब कि पॉलिटिकल प्लस कमर्शियल प्लस मास मूवी होने वाली है। और अगर अपन बात करें मतलब रिलीजिंग डेट के बारे में, तो भाई साहब रिलीज डेट तो मैं आप लोगों को पता ही है, कभी शेयर कर चुका था, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका था जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। और भाई साहब आज से 4 महीने पहले भी मैं ऑलरेडी थलापति 69 के ऊपर एग्जैक्ट वीडियो भी बना चुका हूं। तो गाइस रिलीज डेट भी मूवी की टीम ने शेयर किया है, नेक्स्ट ईयर दिवाली के टाइम इसे यानी कि अक्टूबर मंथ में रिलीज करने की प्लानिंग, मतलब ऑफिशियल बोल दिया तो आप प्लानिंग ही, यानी कि डायरेक्टर एच विनोद सर इसे थलापति 69 को नेक्स्ट ईयर 2025 के अक्टूबर मंथ में रिलीज करने वाले हैं। अब गाइस मैं पर्सनली आप लोगों को बताऊं ना, एक तो ये जितने भी फैंस हैं ना भाई साहब, उनको लेके मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि ये लोग कैसे बोल सकते हैं लास्ट डांस लास्ट मूवी होने वाली है, ये होने वाली है, वो होने वाली है। तो मैं पर्सनली पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो केवीएन प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने बस एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर किया था, जस्ट इमोशनल शेयर किए थे फैंस के साथ, लेकिन अब फैंस उन्हें लास्ट मूवी बोल रहे। तो भाई साहब मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, 2 दिन में ले आऊंगा, क्योंकि मैं कहीं जाने वाला हूं, तो उसके चलते मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं क्या लगता है थलापति 69 के शूट के बारे में, प्रकाश राज के सर के बारे में, कि वो ऑन बोर्ड हो गए तो किस टाइप का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, उसी के साथ साथ क्या लगता है इंडस्ट्री ड्रॉप करने वाले या फिर और भी ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिलने वाली है। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।